नमस्कार, आप सभी का बीडीटीवी भारत में स्वागत है। उत्तराखंड के रिजॉर्ट की रिसेप्शनिस्ट अंकिता भंडारी हत्याकांड में डीजीपी अशोक कुमार का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि मामले में 3 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। अंकिता पर गलत काम करने का दबाव था। डीजीपी ने बताया कि अंकिता भंडारी पर पुलकित के भाई अंकित आर्य को स्पेशल सर्विस देने के लिए दबाव बनाया जा रहा था। जल्द ही इस मामले में विस्तृत खुलासा किया जाएगा। उत्तराखंड में अंकिता मर्डर केस से भड़के स्थानीय लोगों ने आरोपी पुलकित आर्य के रिजॉर्ट के पिछले हिस्से को आग के हवाले कर दिया। बताया जा रहा है कि रिजॉर्ट के पीछे अचार बनाने की फैक्ट्री है, जो कि हत्या के आरोपी पुलकित आर्य की है। लोगों ने यहां तोड़फोड़ भी की, फिर फैक्ट्री में आग लगाई। गुस्साए लोगों ने बीजेपी विधायक रेणु बिष्ट की कार में भी तोड़फोड़ की थी। साथ ही लोग इतने गुस्से में है कि आरोपियों को फांसी की सजा देने की मांग कर रहे हैं। बता दें, अंकिता की हत्या के बाद सामने आने के बाद स्थानीय लोगों ने रिजॉर्ट के अवैध निर्माण की शिकायत भी की थी। साथ ही लोग रिजॉर्ट के ध्वस्तीकरण की मांग पर अड़े थे। एसडीएम प्रमोद कुमार ने बताया कि रिजॉर्ट को जेसीबी द्वारा तोड़ दिया गया है। स्थानीय लोगों ने रिजॉर्ट को लेकर कई सनसनीखेज खुलासे किए हैं। लोगों का कहना है कि रिजॉर्ट में अनैतिक काम होता था। रिजॉर्ट संचालक कर्मचारियों के साथ अभद्रता और मारपीट भी करता था। आपको बता दें, शनिवार सुबह पुलिस को अंकिता का शव मिल गया है। पुलिस को अंकिता की डेड बॉडी चिल्ला पावर हाउस के पास से मिली है। फिलहाल परिजनों की मौजूदगी में शव को ऋषिकेश एम्स रेफर किया गया है। पौड़ी गढ़वाल जिले के यमकेश्वर विधानसभा इलाके के एक प्राइवेट रिजॉर्ट में रिसेप्शनिस्ट अंकिता भंडारी 19 साल की थी। अंकिता बीते 18-19 सितंबर से गायब थी। पुलिस और एसडीआरएफ की टीमें जिला पावर हाउस के पास शक्ति नहर में तलाशी अभियान चला रही थी। एसडीआरएफ टीम को चिल्ला पावर हाउस के पास युवती का शव बरामद हुआ और जिला पुलिस को सुपुर्द किया गया। शव की शिनाख्त के लिए अंकिता भंडारी के परिजनों को बुलाया गया। परिजनों ने शव की शिनाख्त कर ली है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि आज प्रातःकाल बेटी अंकिता का पार्थिव शरीर बरामद कर लिया गया है। इस हृदय विदारक घटना से मन अत्यंत व्यथित है। दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने हेतु पुलिस उप महानिरीक्षक पी रेणुका देवी जी के नेतृत्व में एसआईटी का गठन कर इस गंभीर मामले की गहराई से जांच के आदेश दे दिए गए हैं। इस खबर से जुड़े अपडेट के लिए वीडीटीवी भारत से जुड़े रहें। नमस्कार।